चुनावी कैंपेन में बिजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक किसी को फोन मिलाया था। ये फोन दूसरे देश में मिलाया गया था। पीएम मोदी ने जिसे फोन मिलाया था उसने बता भी दिया कि भारत में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। इस व्यक्ति के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो पीएम मोदी को परेशानी में डाल सकते हैं। बीजेपी वोटरों और कार्यकर्ताओं में ज्यादा आत्मविश्वास पीएम मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। पीएम मोदी के सपोर्टर घरों में आराम से बैठे हैं, वोट डालने नहीं जा रहे। इनका मानना है कि मोदी तो जीत ही जाएंगे, लेकिन खुद पीएम मोदी ने पूरे देश से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग करें। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि हिंदू वोटर्स तो घरों पर आराम से बैठे हैं, जबकि मुस्लिम समाज का एक एक वोटर वोट डालने जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें मुस्लिम वोटरों को बताया जा रहा है कि उन्हें दूसरों की संपत्ति बांट दी जाएगी। बताया जा रहा है कि हिंदू वोटर अभी भी जाति देख देख कर वोट डाल रहा है और कई तो वोट डालने ही नहीं जा रहे। उत्तर प्रदेश में पिछली बार के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। इस बार दिल्ली NCR में महिलाएं कम वोट डाल रही हैं। वोट ना डालना कितना महंगा साबित हो सकता है वो घर पर आराम से बैठे लोगों को अभी शायद पता नहीं है। देश के लिए वोट डालना बेहद जरूरी है। बहरहाल वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को फोन मिलाया था। पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को इटली के लिबरेशन डे की बधाई देने के लिए फोन मिलाया था, लेकिन इसी बातचीत के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान कर देगा। बातचीत के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि G7 शिखर सम्मेलन इटली में 13 से 15 जून को होगा, जबकि भारत में 4 जून को ये तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेज दिया है। उनको शायद पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे।